प्यारे बच्चों, क्या सोच रहे हैं? जल्दी से इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। के आज हम हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट टॉपिक है विंड, ठीक है। व्हेन द एयर मूव्स इन अ फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड। जब आपकी हवा होती है ना, एयर, वो एक निश्चित डायरेक्शन में, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो वो क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। स्टूडेंट, टॉपिक इज एयर एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है। जो वायु होती है वो, है ना, दाब लगाती है, वो प्रेशर अप्लाई करती है। तो वाई आर टिन केन विथ हॉट वाटर व्हेन कूल डाउन विथ फ्रेश वाटर डिस्टॉर्ट्स इट्स शेप। कोई टिन की केन है, उसमें गर्म पानी भर रखा है, लेकिन जब उसको ठंडे फ्रेश वाटर से, है ना, उस पर डाला जाता है उस केन पे, तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है, ठीक है। वो होता क्यों है, क्या कारण है, देखते हैं कारण, ठीक है। ये तो फिगर दे रखा है आपको, इसके नीचे देखिए इसका रीज़न। एज फ्रेश वाटर इज पुट ओवर द हॉट केन, द स्टीम इन द केन कंडेंस एंड कन्वर्ट इन टू वाटर। देखिए, जब ठंडा पानी होता है ना, ताज़ा ठंडा पानी, जब उस गर्म पानी से भरी हुई केन पे डाला जाता है, तो जो स्टीम अंदर बनती है, ठीक है, गर्म पानी के कारण से जो स्टीम बनी थी ना केन के अंदर से, वो ठंडी होना स्टार्ट कर देती है, और ठंडे होके वो पानी में बदल जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो केन के अंदर हवा की मात्रा थी, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो दिस रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर डेट प्रेजेंट इन द वाटर। उस वाटर में जो हवा प्रेजेंट थी ना केन के अंदर, जो था पानी, वो क्या होने लग जाता है, वो कम होने लग जाती है, ठीक है। द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द केन बिकम मोर देन द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द केन। इस कारण से क्या होता है, जो बाहर से लगने वाला प्रेशर है, बाहर से लगने वाला दाब है, वो ज़्यादा हो जाएगा अंदर वाले प्रेशर से, अंदर वाले दाब से, जो केन के अंदर था, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द कंप्रेसिंग ऑफ द केन। इस कारण से क्या होता है, वो केन कंप्रेस हो जाती है, पिचक जाती है ना, क्योंकि जो बाहर का प्रेशर था, वो हवा का, वो ज़्यादा है अंदर के प्रेशर से, एयर के जो प्रेशर है ना अंदर केन में, उससे ज़्यादा हो गया था। देयरफोर इट प्रूव दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस एग्जांपल से हमने सीखा कि एयर क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है ना, दाब अप्लाई करती है, ना दाब लगाती है किसी भी वस्तु पे, वो दाब लगाती किसी भी, है ना, थिंग पे वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, फ्लो ऑफ एयर। व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीज इट लोअर डाउन द एयर प्रेशर। जब, है ना, वायु की स्पीड बढ़ती है ना, गति बढ़ती है, तो क्या होता है, एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इससे हम, है ना, ये कह सकते हैं कि हमने क्या सीखा इससे, कि जो एयर फ्लो होती है ना, वो कहाँ से होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। देयरफॉर वी कैन से दैट फ्लो ऑफ एयर इज़ फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द स्पीड ऑफ एयर एंड विंड। द स्पीड ऑफ एयर और विंड डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ द टू रीजन। देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा, है ना, कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में फ्लो होती है, तो जो एयर की स्पीड होगी, विंड की जो स्पीड होगी, वो इन प्रेशर डिफरेंस पे ही, है ना, दो रीजन की जो प्रेशर डिफरेंस होगा उस पे डिपेंड करेगी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इंक्रीज द स्पीड ऑफ द एयर ऑल्सो इंक्रीज। अगर ना जो डिफरेंस होगा प्रेशर में वो बढ़ेगा, तो स्पीड ऑफ द एयर भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। नाउ स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। व्हेन द एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड। जब हवा को गर्म करा जाता है तो फैलती है। एज अ रिजल्ट इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और इसी कारण से वो ज़्यादा जगह घेरती है। एंड बिकम लाइटर इन वेट, और, है ना, हल्की भी हो जाती है। उसकी डेंसिटी कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। देयरफॉर वी कैन से डैट वार्म एयर इज़ लाइट इन वेट, है ना,
तो गर्म हवा हल्की है एंड कोल्ड एयर इज़ हैवी, और जो ठंडी हवाएं होती है वो कैसी होती है, भारी होती है। ठीक है, व्हाई डज स्मोक मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, स्मोक ऊपर के डायरेक्शन में क्यों मूव करता है, क्योंकि स्मोक भी क्या है, एक हॉट एयर ही है। स्मोक इज़ अ हॉट एयर, हॉट एयर इज़ लाइटर, गर्म हवाएं हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी, लाइटर होती है, इट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसी कारण से वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है स्मोक। ओके, एंड हाउ कन्वेक्शन इन एयर अकर, है ना, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। तो कन्वेक्शन किस तरह से होगा, हवा का ना वायु का संवहन कैसे होगा, तो व्हेन द हॉट एयर इन अ रीजन राइजेज अप, जब गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेगी है ना किसी क्षेत्र में, तो प्रेशर बिकम लो इन दैट रीजन, तो उस क्षेत्र में उस रीजन में क्या होगा, आपका जो दाब है वो कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द कोल्डर एयर फिल इट्स प्लेस, है ना, और इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, उस हवा की जगह को, प्लेस को कौन घेर लेगा, ठंडी हवाएं। दिस इज हाउ कन्वेक्शन इन एयर अकर, गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी और ठंडी हवा उसकी जगह आ जाएगी, है ना, ये कहलाता है हवा का संवहन। ठीक है, पहले देखिए डायग्राम में शो किया हुआ, सन ने क्या किया, लैंड को गर्म कर दिया, जिसके कारण से हवाएं भी गर्म हो गई, हवा गर्म हो गई, ये देखिए हवा गर्म हो गई, उसकी डेंसिटी कम हो गई तो वो ऊपर की ओर उठ जाएगी। ठीक है, अब इधर देखिए द एयर गेट कूलर और कोल्डर एज यू गेट हायर इनटू द एटमॉस्फेयर, हवाएं जैसे जैसे आप ऊपर की ओर उठोगे एटमॉस्फेयर में तो वो ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, एयर कूल हुई और फिर नीचे की ओर आ गई, कोल्ड डेंस एयर श्रिंक, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी तो वो नीचे की ओर फ्लो के आ गई, है ना, और फिर ये फ्लो के विंड वापस से आपके जो सन गर्मी थी, हीट थी, उसके कारण से क्या हुई, ये विंड वापस से गर्म हुई और ऊपर की ओर उठ गई, ये कहलाता है कन्वेक्शन इन एयर। ओके, नाउ देयर आर टू सिचुएशन वेयर विंड ऑन अर्थ जनरेट, दो सिचुएशन होती हैं जिसके कारण से आपकी अर्थ पे विंड जनरेशन होता है, विंड का है ना, विंड बनती है। देखिए फर्स्ट तो है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स, जो आपके पोल्स हैं और जो मुँह मध्य रेखा है, मतलब इक्वेटर है ना, उस पर अनइवन हीटिंग, मतलब कहीं तो है ना ज़्यादा हीट मिल रही है, कहीं पर कम। ठीक है, तो इस कारण से जो आपकी नॉर्थ साउथ विंड फ्लो होती है, नॉर्थ साउथ विंड जनरेट होती है। ठीक है, तो वी नो दैट द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू सर्कुलर लाइन कॉल लैटिट्यूड दैट स्पेसिफाई द नॉर्थ साउथ पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑन द ग्लोब, ग्लोब होता है, देखिए आपको दिखा देते हैं, ये ग्लोब है। ठीक है, तो इसको एक सर्कुलर लाइन ने डिवाइड किया हुआ है, उस सर्कुलर लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड। देखिए ये वाइट कलर में आपको शो किया हुआ है, ये लैटिट्यूड है। ओके, ये लैटिट्यूड क्या करती है, हमारे जो प्लेस है ग्लोब पे उसे नॉर्थ साउथ पोजीशन में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है ना, तो जिससे हम स्पेसिफाई कर पाते हैं नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। ऑल्सो द इक्वेटर इज लैटिट्यूड देयर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द अर्थ रोटेशन। ठीक है, इक्वेटर भी क्या है, एक लैटिट्यूड है, द इक्वेटर इज लैटिट्यूड दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अर्थ रोटेशन, जो अर्थ की रोटेशन की खुद की एक्सिस है ना उसके वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर। ठीक है, लंबवत होता है। द रीजन दैट आर क्लोजर टू द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम सनलाइट ऑन द अर्थ, जो क्षेत्र इक्वेटर के भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं उनको ज़्यादा सनलाइट मिलती है। हैंस द एयर इन दिस रीजन इज जनरली वार्म, तो हवाएं जो यहाँ पे होती है वो जनरली गर्म होती है। द वार्म एयर देयरफॉर राइजेज अबाव, इस कारण से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, एंड द कोल्डर एयर फ्रॉम द लैटिट्यूड अराउंड द इक्वेटर मूव्स इन दैट प्लेस, और ठंडी हवाएं इस रीजन में इक्वेटर के इधर आपके मूव होके आती है, क्योंकि जो गर्म हवाएं ऊपर उठी उसकी जगह कौन बनेगा, कोल्डर एयर। ओके, सिमिलरली कोल्ड विंड फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल मूव टुवर्ड द इक्वेटर, और ठंडी हवाएं नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आती है, एंड द नेबरिंग लैटिट्यूड एंड द सर्कुलर
सर्कुलेशन ऑफ विंड टेक प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो इस कारण से जो सर्कुलेशन होता है, विंड का फ्लो ना होता है, वो स्टार्ट हो जाता है अर्थ पे। सो ये डायग्राम था आपका। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर कॉजेज मॉनसून विंड ऑन अर्थ विच ब्रिंग रेनफॉल। जो आपके लैंड और वाटर का जो अनइवन हीटिंग होती है, मतलब लैंड ज़्यादा गर्म हो जाए वाटर कम, या वाटर ज़्यादा गर्म हो जाए या लैंड कम, है ना, ये अनइवन हीटिंग कहलाएगी। इस कारण से आपकी मॉनसून विंड का जनरेशन होता है अर्थ पे, और इसी कारण से आपकी रेनफॉल आती है। ठीक है, इन द समर सीजन दी लैंड नियर द इक्वेटर गेट वार्मर एंड इट्स टेम्परेचर जनरली रिमेन हायर देन द ओशन। समर सीजन में क्या होता है, जो आपके लैंड होती है इक्वेटर के पास में, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो ओशन से, है ना, ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिजल्ट वॉट एयर अबाउट द लैंड राइजेस, जिसके कारण से जो आपके ज़मीन के लैंड के ऊपर हवाएं होती है वो ऊपर उठने लग जाती है, है ना, और जो ओशन से ठंडी हवाएं होती है वो लैंड की तरफ मूव करके आ जाती है। दीज विंड आर कॉल्ड मानसून विंड, और इन्हीं विंड्स को क्या कहते हैं, मानसून विंड कहते हैं। सिंस दीज विंड कम फ्रॉम द ओशियन दे कैरी वाटर विद डैम, ये ओशन की तरफ से आ रही है तो ये पानी भी लेके आएगी अपने साथ में। इन अ सिमिलर वे द विंड इन द विंटर सीजन मूव फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द ओशियन, और जो सर्दी का सीज़न होता है उसमें जो हवाएं होती है वो ज़मीन से ओशियन की तरफ फ्लो होती है। कि गर्मी में तो कहाँ से आ रही है आपके, ओशियन से लैंड की तरफ, और सर्दी में लैंड से ओशियन की तरफ। ओके, यह आपको डायग्राम में दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड इन इंडिया, वही किस डायरेक्शन से मानसून विंड आती है इंडिया में। ठीक है,